हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पर। मैं हूं रेखा प्रयागराज से। आज का ये जो वीडियो है ये हमारी स्टूडेंट हैं जो प्रैक्टिस कर रही हैं, और मुझे ऐसा लगा कि आज अब तक आप लोगों ने मेरा किया हुआ मेकअप देखा है, अब आप खुद को यहाँ पे रख कर देखिए कि आप किस तरीके से जो छोटी मोटी गलतियाँ हैं वो आप करती हैं, कहाँ पे सुधार कर सकती हैं। और आपको ये भी मैं थोड़ा सा दिखाने के लिए ये वीडियो को शूट की हूँ कि आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेकअप सीखना तो चाहती हैं, देखती बहुत सारा हैं, सीखती बहुत चीज़ हैं, पर प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान नहीं देती हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, 50% रोल आपका सीखने में आपके प्रैक्टिस का होता है, 50% आपके टीचर्स का जो आपको बताते हैं उनका होता है। वो आपको तरीका बताते हैं क्या चीज़ कैसे है, इससे आपको कोई चीज़ करना आसान हो जाता है, बस बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको खुद करनी होती हैं। 50% आप टीचर से सीखते हो, 50% आप प्रैक्टिस के दौरान सीखते हो। तो जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं उनको कोई भी चीज़ बहुत जल्दी से चीज़ें क्लियर होने वाली नहीं है, और जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं थोड़ी सी भी चीज़ें वो सीखते हैं, ज़्यादा समझते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम वही चीज़ देखने वाले हैं, इसमें आई मेकअप देखेंगे, और हमारा जो दूसरा चैनल है जो रेखा मेकअप आर्टिस्ट है उसके ऊपर हम बेस किस तरीके से, यही मेरी स्टूडेंट हैं जिनको अभी लगभग साल भर हो रहा है, साल भर में इन्होंने सारी चीज़ें कवर की हैं, चाहे वो स्मूदनिंग हो, स्ट्रेटनिंग हो, कैरेटीन हो, नैनोप्लास्टिया हो, या नेल आर्ट हो, हेयर एक्सटेंशन हो, फेशियल हो, ब्लीच हो, वैक्सिंग हो, एक्स वाई जेड सभी चीज़ में अच्छे से वर्क करती हैं। और अभी बारी आ गई है मेकअप की, कि मेकअप के ऊपर कितना ज़्यादा है। तो मैं इनको टेक्निक बताती हूँ, मैं इनको तरीका बताती हूँ कि अगर आपको एक कट क्रीज करना है तो किस तरीके से करना है। बाकी चीज़ें ऐसा नहीं कि मैं डेली इनको ये बताती हूँ कि आज ये कट क्रीज करो आज वो, ये डेली अगर मैंने सिर्फ एक चीज़ बताई कि किस तरीके से आपको कट क्रीज करनी है, बाकी ये डेली एक फ़ोटोज़ निकालती हैं गूगल से और उसको सेम उसी तरीके से कॉपी करती है, फिर जहाँ पे प्रॉब्लम होती है वहाँ पे हम देखते हैं। तो इस तरीके से क्या होते हैं कि काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आ रहा है इनके काम में, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीज़ें ये कर पा रही हैं अलग अलग, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अलग अलग चीज़ें करती हैं उतना ज़्यादा चीज़ें आप सीखती हैं। तो यहाँ पे बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम बताते हैं, और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो करने के दौरान आप गलतियाँ करती हैं फिर सीखती हैं। टोटली यहाँ पे आप देख रही हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है मैं आपको बहुत ज़्यादा सिखाने की कोशिश नहीं करूँगी कि इसको ऐसा करिए वैसा करिए, इन्होंने एक इमेज निकाली उसके अनुसार कर रही थी। लास्ट में जहाँ पे कमी होती है वहाँ पे बताती हूँ, अगर कोई चीज़ करने में सेम नहीं उतर रहा है जो इन्होंने एक इमेज ली है उसके थ्रू कर रही हैं, अगर उसी तरीके से सेम नहीं बन रहा है तो फिर हम देखते हैं कि कहाँ पे इन्होंने मिस्टेक की हुई है, उसके हिसाब से फिर हम उसको सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पे आपको ये चीज़ करना चाहिए था। तो 2 से 3 बार मैं बताती हूँ, बाकी बन की खुद की प्रैक्टिस होती है। तो इससे 2-3 दिन पहले उन्होंने प्रैक्टिस की, अच्छा खासा किया, और जो कि मैं इनका किया हुआ आपको मैं स्क्रीन पर शो कर रही हूँ, जो एक दिन पहले किया हुआ था जो फुल कट क्रीज थी, आप आज जो है हाफ कट क्रीज है, उसके साथ साथ ये सीमर आईलाइनर लगाने वाली हैं, और जो कि ग्रीन स्मोकी के साथ कट क्रीज है। तो इस तरीके का कुछ क्रिएटिव आप करती जाएंगी तो यहाँ से आपका डर दूर होता जाएगा, और आपके हाथों को भी आदत होती जाएगी, और आपका दिमाग जो है वो जो आपके अंदर एक डर बैठा हुआ है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ख़त्म होते हुए आएगा। और जिस दिन आपका डर ख़त्म हो जाएगा उस दिन आप किसी भी तरीके का मेकअप कर सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें थी जैसा कि आप देख रहे हैं किस तरीके से वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कर रही हैं। हाँ ये है कि कुछ चीज़ें यहाँ पे मिस्टेक, मैं यहाँ पे नहीं ये बोल रही हूँ कि बिल्कुल 110% उन्होंने ये फिनिशिंग दिया, नहीं, 100 में 80% इनका जो है वो क्लियर है, 20% अभी भी है जो मुझे इनको बताना है। तो वो चीज़ें क्या होता है, 10% मैं अभी बताऊँगी, 10% ये करने के साथ इनके काम में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो अगर आप लोग चाहती हैं कि सीखना है, और यहाँ पे जो लोग प्रयागराज के हैं या लोग कहीं के भी हैं, तो जो लोग चाहते कि प्रॉपर हम एक अपना खुद का सैलून खोलें, हमें सारी चीज़ें आती हो, बहुत अच्छे से चीज़ें सीख सकें, और जहाँ पर हम अपना क्लास लें सीखें वहाँ पे प्रैक्टिस करने की सुविधाएं हो, तो यहाँ पे सब कुछ है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट होते हैं, हम एक दूसरे के ऊपर कराते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हर सीजन में हमारे पास रियल क्लाइंट होते हैं तो उनके ऊपर भी प्रैक्टिस होती है, और यहाँ पार्लर में जितना भी वर्क होता है वो रियल क्लाइंट के ऊपर प्रैक्टिस होती है। तो पहले एक दूसरे के ऊपर करते हैं स्टूडेंट, फिर उसके बाद जब हमें लगता है कि नहीं ये हमारे अभी कर सकते हैं तो फिर हम इन्हें रियल क्लाइंट के ऊपर वर्क कराते हैं। तो यहाँ पे टोटल ये है कि अगर आप अपने आप को साल भर, बहुत, अगर आपके पास टाइम नहीं तो 6 महीना 7 महीना, बहुत, अगर आपके पास प्रॉपर समय है, आप चाहती हैं कि साल भर के अंदर बहुत अच्छे से ट्रेंड हो जाइए, तो
एक साल के अंदर मैं गारंटी दे रही हूँ, ऐसा कोई वर्क नहीं है जिसे आप नहीं सीखोगे। सारी चीज़ों सीखने के साथ, प्रैक्टिस के साथ, सब कुछ एक्स वाई जेड साल भर में बिल्कुल कंप्लीट होकर आप अपना सैलून खोल सकती हैं। अगर फिर भी चाहती हैं कि टाइम नहीं, तो 6 महीना। और जो लोगों को ऐसा लगता है कि उनके बहुत सारी चीज़ें आती हैं लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं है और बहुत अच्छे से वर्क कर नहीं पाती हैं या किसी को ट्रेनिंग नहीं दे पाती हैं, तो वो लोग 1 मंथ की क्लास ले लें। 1 मंथ की क्लास हमारी मई में स्टार्ट हो रही है, जो कि 1 मई से 30 मई तक के लिए है, और उनका एडवांस क्लास करेगा, उसमें सारी चीज़ें रहेंगी। जो लोग मेकअप की लेना चाहती हैं वो लोग मेकअप की ले सकती हैं, सिर्फ मेकअप की, और उनकी 15 दिन की होगी। और जो लोग सभी चीज़ों की लेना चाहती हैं, जैसे हेयर कट हो गया और हमारा केमिकल वर्क हो गया, मेकअप हो गया, तो ये सारी चीज़ें एडवांस, हाइड्रा फेशियल वगैरह हो गया, तो वो लोग उसमें ले सकते हैं। उसमें सारी चीज़ें हैं लेकिन बेसिक नहीं रहता, उसमें एडवांस ही रहेगा। बेसिक थोड़ा सा बताते हैं, एडवांस थोड़ा सा ज़्यादा लेकर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ें हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख रही हैं, जैसा कि हम यहाँ पर कलर व्हील भी पढ़ाते हैं, टिन टोन और सेड। तो जो है यहाँ पे ये लोग जब ये सब चीज़ें पढ़ती हैं ना, तो इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है ना कि चीज़ों को करने में, चाहे क्योंकि जब ये कलर आप एक बार पढ़ लेती हैं तो ये आपके हेयर में भी काम आता है, आपके मेकअप में भी काम आता है, किसी भी चीज़ में, आपकी ड्रेस जो है, आप जो ड्रेस पहनती हैं उसमें भी काम, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो, इन पार्लर से हटकर बोलूँ तो मैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जब आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होता है। तो यहाँ पर हम प्रॉपर एक क्लास देते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं, पूरा डिटेल में बताते हैं। तो जो लोग प्रयागराज के हैं या बाहर के हैं, उनके रहने की भी व्यवस्था है, वो यहाँ पे आके उनको रूम पर्सनल भी अवेलेबल हो जाएगा, और उस जो है अपना प्राइवेट भी लोगों के साथ शेयर करने वाला भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, और पर्सनल भी आप अपना रूम ले सकती हैं। यहाँ पे सारी चीज़ों की व्यवस्था है। आप एक बार, अगर आप लोगों को, जिन लोगों को क्लास करनी है, वो मेरे नंबर पर संपर्क कर सकती हैं, 7897233810 पर। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें थी वो, यहाँ पे कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं है, सिर्फ ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि क्लास शुरू हो जाती है और 5-7 दिन के बाद पता चलता है लोगों को कि मेरी ऐसी कोई क्लास चलने वाली है जहाँ पे उनको ज़रूरत है, तो बाद में संपर्क करते हैं। तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि 5 दिन जब क्लास चल चुकी होती है, फिर न्यू स्टूडेंट को लेना और फिर उनको फिर वही नए सिरे से बताना, तो और जो सारे स्टूडेंट हैं उनके साथ डिस्टर्बेंस होना, या कि जो नया स्टूडेंट उसको ना बताना, तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना कि उसका जो बेस है, जो शुरुआत है, वो नहीं पता होता, बीच से बताना तो उसको उतना समझ में ना आना। तो यहाँ पे कहने का आशय सिर्फ इतना है, यहाँ पे सिर्फ मैं एक बता रही हूँ कि जिन लोगों को ऐसा लगता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत हाई फाई जगह जाते हैं सीखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इनका नाम है, बहुत ज़्यादा ये फेमस है और हम इनसे बहुत अच्छा सीख लेंगे, लेकिन आप उनके साथ जब जाती हैं तो उतना घुल मिल कर, उतना अच्छे से, आप कहीं ना कहीं, कहीं आपके अंदर डर होता है, कोई भी हिचकिचाहट होती है, कुछ भी होता है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा पैसे, बहुत ज़्यादा समय देने के बावजूद भी नहीं सीख पाते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको लगता है कि मेरी लैंग्वेज जो है, मेरी जो भाषा है, मेरी जो बताने की तरीका है, वो आप लोगों को पसंद आता है, कि बहुत सारे लोगों को पसंद आता है, कभी कोई दिल्ली से संपर्क करता है, तो कोई कहीं से करता है, तब उस दिन लगता है कि हाँ शायद मेरा कुछ अलग तरीका होगा जो आपको समझा सके, क्योंकि मैं हमेशा आपको यहाँ पे जब भी आप आती हैं तो सीखने के साथ, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आपको ऐसा महसूस हो कि आपका, आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे, आप लाइफ को एंजॉय करते हुए आप चीज़ों को सीखती हैं, और एकदम जो हमारा एक होता है नहीं कि हम हर जगह प्रोफेशनल नहीं हो सकते, थोड़ा सा पर्सनल चीज़ें होकर भी हम सीखते हैं, तो व्यवहारिक होकर चीज़ें सीखते हैं, तो उसमें ज़्यादा थोड़ा सा मज़ा आता है। हम सीखते सब कुछ वही है प्रोफेशनल, लेकिन थोड़ा सा सरल होकर सीखते हैं तो वो बहुत मज़ा आता है। तो उसमें कहीं ना कहीं हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत महंगी महंगी फीस, 1-1 लाख रुपए फीस देकर भी उतने अच्छे से नहीं सीख पाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम फीस में हम उन्हें बहुत सारी चीजें सिखा देते हैं। तो अगर जो लोग इच्छुक हैं वो लोग मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 7897233810 पर। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ों की व्यवस्था होती है, सीखने का सब कुछ है, प्रोडक्ट जो भी है जो आपके पास नहीं होता, वो मेकअप वगैरह का हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप ये ले सकते हैं, कहाँ से लेना है, कैसे लेना, वो सारी चीज़ें, आगे कैसे बिजनेस करना, वो सब कुछ आप लोगों को सजेस्ट करते हैं। अब तक जो स्टूडेंट जितने भी हैं उन लोगों का बहुत अच्छा रिव्यू है, आगे चल के मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अक्सर ऐसा होता है कि किसी का 1 मंथ का क्लास है, किसी का 3 मंथ का क्लास है, तो उस तरीके से स्टूडेंट आगे पीछे जाते आते रहते हैं, और काफ़ी ज़्यादा काम होने की वजह से उतना अच्छे से क्लियर, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा अपना प्रमोशन हम बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं, जितना ज़रूरी होता है बस उतना ही हो पाता है, जैसे अभी है कि आपको हम ये जानकारी दे दे रहे हैं, तो बस इतना है, बहुत ज़्यादा प्रमोशन खुद को लेकर नहीं करते हैं, बस आप सब लोगों के प्यार और सहयोग से काम इतना होता है, कितना समय नहीं होता है कि सिर्फ प्रमोशन पर ही ध्यान दें।
तो चलिए अभी यहाँ पे इतनी चीज़ें हुई, स्टूडेंट हैं थोड़ा सा समय ले रही हैं, लेकिन फिलहाल 10 मिनट हो चुका है जिसमें से थोड़ा बहुत वीडियो को फास्ट किया है। लेकिन ये जो है वो लिफ्टी हैं, तो लिफ्टी होने के कारण लेकिन काम मतलब बहुत अच्छे, जो भी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से, जैसा आईब्रो वगैरह दोनों हाथ से बनाती हैं, हम जैसा बनाते हैं, जैसा वर्क हम करते हैं वैसा हम अपने स्टूडेंट को भी सिखाते हैं। तो फिलहाल अभी थोड़ा बहुत काम चल रहा है पार्लर में, थोड़ा सा बड़ा करवा रहे हैं पार्लर, तो उसकी वजह से थोड़ा सा 4 से 5 दिन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। तो बस थोड़ा सा शॉर्ट कट में चीज़ें प्रैक्टिस हो रही स्टूडेंट का। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि एक दिन या एक घंटा भी हमारे स्टूडेंट का ख़राब हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एक घंटा एक दिन आपको कहीं बहुत जगह बहुत अच्छी जगह पे ले जा सकता है। एक एक घंटा एक एक मिनट बहुत कीमती होता है, और हम बिल्कुल नहीं चाहते अगर कोई हमारे पास आया है तो उसका कोई भी वक्त खराब हो। तो फिलहाल यहाँ पे आप देख सकती हैं कि किस तरीके से ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे गलतियाँ कर रही हैं। अगर एक बार आप मेरी वॉइस के साथ सुन लें, अगर आपको ज़रूरत लगे तो, और एक बार इस वीडियो की वॉइस को आप डाउन करके देखना बंद करके, तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि यहाँ पे इस स्टूडेंट ने कई चीज़ें गलतियाँ की। जैसे कोई चीज़ बहुत फैल गया, फिर उसको सही किया, फिर उसके बाद किया, तो इस तरीके से क्या हो रहा है ना, वो बहुत सारी चीज़ें आप अपने काम में खुद से सीख रहे हो, खुद से करने से सीख रहे हो। ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लाख समझाएंगे कि आपका ये फैल जाएगा तो आप ऐसे हटा लीजिएगा, वो कितना भी समझाएं, हाँ वो है कि थोड़ा सा तरीका बताने से वो चीज़ें आसान हो जाती हैं, लेकिन आप जब वो करते हो और वो फेस जब आप कर रहे हो, वो चीज़ें कर रहे हो, उसमें जब आप खुद करेक्शन करते हो, खुद अपना दिमाग लगाते हो, तो वो बहुत ही अच्छा होता है। एक बार आपने कोई चीज़ गलत, जैसे अब यहाँ पे क्या है, विंग नहीं निकालना आ रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, अब हमने एक गाइडलाइन क्रिएट कर दी, हमने एक बार बता दिया। अब क्या होता है कि स्टूडेंट किसी को भी कुछ पूछना नहीं पड़ता है, हम फाइनल देखते हैं कि किसका कहाँ पे कमी है। हमें अब बिल्कुल भी ये नहीं चेक करना होता कि यहाँ से विंग, ये फर्स्ट टाइम एक बार बताती हूँ, वो तरीका एक बार बताया, और फिर स्टूडेंट अपने से सोचते हैं तो कभी थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है उसको, नेक्स्ट टाइम फिर उसको उनको समझ में आता है। सबसे अच्छी बात ये है कि जो स्टूडेंट गलतियां कर रहे हैं उन मतलब जो काम कर, जैसे अभी ये स्टूडेंट है प्रैक्टिस कर रही हैं, अगर मैंने इनको कमी निकाली कि ये आपके काम में कमी है, तो वो ये खुद बताते हैं कि हमें महसूस हो रहा है कि यहाँ पे हमने गलतियां की हैं, पर करते वक्त थोड़ा सा उतना कंट्रोल नहीं होता है हाथ पे। तो हाथ का जो कंट्रोल है वो आपके काम आपके ज़्यादा से ज़्यादा काम करने से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आता है। कितनी बार आपने ऐसा हुआ है कि आप आँख बंद करके करो तो वो काम हो जाता है, तो वो टोटल और टोटल आपकी प्रैक्टिस पे होता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ जो लोग सीखना चाहते हैं, जो लोग यहाँ नहीं आ सकते ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी है कि वो लोग प्रैक्टिस करें, किसी के ऊपर नहीं, खुद के ऊपर प्रैक्टिस करें, हैंड के ऊपर प्रैक्टिस करें, हाथों के ऊपर प्रैक्टिस करें, किसी भी तरीके से प्रैक्टिस करें। आपको कंप्लीट जो बनना है, आप एक अच्छी मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हैं, तो आपको प्रैक्टिस 110%, कोई और रास्ता नहीं है अच्छा बनने का, सफल होने का, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं किस तरीके से, कितने ध्यान से, कितने, और ये लिफ्टी हैं, ठीक है, और इनको हाथ में बचपन में थोड़ा सा जल गई थी, तो उसकी वजह से हाथ का थोड़ा सा स्किन अलग हो गई है। तो कितने आप देख सकते हो, कितनी तन्मयता के साथ, कितने मन के साथ ये वीडियो मैंने सिर्फ स्टैंड लगा दिया था, उसमें शूट हो रही थी, और लास्ट मैंने देखा कि काफ़ी अच्छी वीडियो शूट हुई है, और काफ़ी अच्छा इन्होंने बेस भी बनाया था, तो हमने कहा ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए थी। क्योंकि जब करने जा रही थी तो मैंने कहा आज क्या करने वाली हो, तो वो मुझे फ़ोटोज़ दिखाई थी कि आज मैं ये मेकअप करने वाली हूँ, मैंने कहा ठीक है, तो वो चीज़ें थी, मैंने कहा ठीक है कुछ अलग होने वाला है। तो अभी यहाँ पे प्राइमर लग रहा है, फेस का जो है वो मैं आपको अपने सेकेंड चैनल जो कि रेखा मेकअप आर्टिस्ट चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहाँ से आप जाइएगा। ये वीडियो आपको कल मिलेगी बेस की, जैसा इन्होंने बनाया आप देख सकती हैं। तो यहाँ पे बेस बनाने में इन्होंने क्या गड़बड़ी की, ऐसा तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर सामने से क्या है, बिल्कुल टोन टू टोन था, मतलब इसमें कोई एक टोन लिफ्ट नहीं था। यहाँ पे अभी सीमर जो लाइनर लगा रही है यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा शाइन करने वाला सिल्वर है। तो यहाँ पे ये चीज़ें थी, तो इनका बेस देखने के लिए आपको उस चैनल पर जाना होगा, कल मिलेगा वो वीडियो, क्योंकि आज काफ़ी लेट हो जाएगा, आज ये वीडियो इस चैनल पर जाएगी प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पर, और मेरा सेकंड चैनल जो है वो रेखा मेकअप आर्टिस्ट है उसके ऊपर जाएगा, उस पर सिर्फ मेकअप की वीडियोज आती हैं, वहाँ से सीख सकती हैं। और मेरा थर्ड चैनल है, मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि काफ़ी कुछ ऐसा है जो आप इस चैनल के अलावा भी बहुत सारे चैनल हैं जिसे आप सीख सकती हैं, तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए ब्लॉग चैनल बनाया जो कि अभी मेरे पार्लर में काम चल रहा है। तो उसमें बहुत सारी ऐसी जानकारी
सारी वाली चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे देखने को मिल सकती हैं, जो आपको एक सैलून बनाने में काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। तो इस वजह से आप मेरे ब्लॉग वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकती हैं ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो देख सके। तो काफ़ी अच्छी वीडियो जा रही है, प्लीज़ एक बार जाके जरूर चेक करिएगा। नहीं पसंद आएगा डिसलाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स करिएगा कि नहीं मुझे वीडियो नहीं पसंद आ रही है, पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। आपका आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बहुत बहुत ज़्यादा हिम्मत देता है वीडियोस को शूट करने के लिए, काम करने के लिए, और बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश रहते हैं। मुझे यूट्यूब की बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई है, जब तक वीडियोस नहीं जाती हैं आप व्यूज आते हैं नहीं आते ये मैटर नहीं करता, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि उसका थंबनेल बहुत अच्छे से बनाएं कि लोग एक ही बार में उसको क्लिक करें। और यूट्यूब जब थोड़ा पुराना चैनल होता है, यूट्यूब अक्सर नए चैनल को प्रमोट करता है, पुराने चैनल को थोड़ा सा कम करता है, तो उसकी वजह से ज़्यादा लोगों तक इम्प्रेशन नहीं जाता है। तो कोई बात नहीं है, हमें लगता है कि जो लोगों को मेरी वीडियोस पसंद होती है वो आकर नेक्स्ट डे खुद सर्च करके देख लेते हैं कि कोई वीडियो चढ़ी है, कि कोई वीडियो आई है कि नहीं आई है, तो वो खुद ही दिखता है। तो यहाँ पे मेरे 3 स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रही थी, ठीक है। एक स्टूडेंट हमारी ये थी जिनका मैंने वीडियो शूट करा था, और दूसरी हमारी स्टूडेंट ये थी जो स्मोकी आई कर रही थी। इनका अभी सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 महीना हुआ, जो कि सभी कुछ सीख रही हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेकअप अकेले, तो उस हिसाब से है। ये हमारी जो स्टूडेंट हैं तीसरी हैं, इन्होंने किया था हेलो आई के साथ लाइनर, तो काफ़ी खूबसूरत तीनों लोगों ने आई मेकअप किया हुआ था, फुल कंप्लीट मेकअप किया, वो मैं इसमें नहीं दिखा पाई, सिर्फ इतनी ही क्लिप थी मेरे पास। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हमारी स्टूडेंट हैं यहाँ पे रॉन्ग कर रही हैं, तो ये वीडियो इतनी मेरे पास बनी थी, तो ये यहाँ पे एयर ब्रश की प्रैक्टिस कर रही हैं, तो ये जो पकड़ी है ना वो गलत है, तो वो मैं सही करवा रही थी, पर उस समय मैं शूट कर रही थी।